हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी क्या, ये एक किस्सा है, बहुत ही खूबसूरत किस्सा, एक प्रेरणादायी किस्सा जिसका नाम है बहू पूछती है सवाल, जिसे लिखा है सूर्यनाथ प्रसाद ने। तो ये किस्सा कुछ यूँ है। बात मेरे बेटे की शादी के समय की है। मैं पूरे परिवार के साथ लड़की देखने गया था। हम सब ने लड़की देखी और हमें लड़की पसंद भी बहुत आई। हमने रिश्ता पक्का कर लिया। सभी एक दूसरे से बातें करने और लड़की के साथ फ़ोटो खिंचवाने में बिज़ी थे। मेरे पास ही लड़की के पिताजी बैठे थे। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैंने बातें करते कहा, आजकल लड़कियों की तादाद लड़कों से कम होती जा रही है। अगर लड़कियों की हो रही भ्रूण हत्या नहीं रोकी गई तो धरती से लड़कियों को ख़त्म होने में समय नहीं लगेगा। इसके लिए आदमी ही नहीं बल्कि औरतें भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं किसी कोने में एक बेटे की मां कहलाने की लालसा छिपी होती है। औरतें कन्या भ्रूण हत्या पर इतनी लाचार और बेबस बनकर चुप्पी क्यों साधे रहती हैं? जब औरतों ने खुद बेटी पैदा करने की चाह बलवती होगी, जिस दिन से वो बेटी या बेटे में फ़र्क करना छोड़ देंगी, तब कहीं जाकर इस समस्या का हल निकल सकता है। मगर इसके लिए औरत को आगे आना ही होगा। मेरी बातें वह लड़की बड़े गौर से सुन रही थी। शादी के दिन जब वरमाला का वक्त आया तो लड़की ने वरमाला डालने से पहले लड़के से पूछा, आप शादी के बाद बच्चा होने पर बेटी हो या बेटा भेदभाव तो नहीं करेंगे, या बेटी होने पर गर्भपात तो नहीं कराएंगे? मेरे बेटा ने ऐसा कहने से मना किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने पूछा जब, तो बेटा साफ साफ कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बहू के मुँह से यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और यह बात मेरे दिल को छू गई। उस दिन के बाद से हमारे गांव में यह परंपरा शुरू हो गई। हर लड़की वरमाला डालने से पहले यह बात अपने दूल्हे से ज़रूर पूछती है कि वह बेटी और बेटे में फ़र्क तो नहीं करेगा। दोस्तों, आप भी बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी या किस्सा आपको कैसा लगा।